सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो यार यहां पे एक नई गेस्ट लेक्चरर एंड प्रोफेसर्स के लिए जो है आपका रिक्रूटमेंट निकाला गया, इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट, इन सभी के लिए, जो कि कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि बिहार का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार ज़िला में ये आपका पड़ता है। इसका आप लेटेस्ट नोटिस सेक्शन में देखेंगे तो 16/9/2022 यानी कल के दिन में ही ये जो है नोटिस आपको दिया गया है। तो ये जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उसे जो है डायरेक्टली यहाँ पे आकर जो है ओपन कर देता हूँ। चलो ऊपर से ये स्क्रॉल मैं कर देता हूँ और इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये आपका हो जाता है ओपन, और यहाँ पे बताया गया कि वॉक इन इंटरव्यू होगा फॉर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लैब असिस्टेंट, गेस्ट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ पे इंग्लिश, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको जो है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉल किया गया है। इंजीनियरिंग सेक्टर में बात किया जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लैब असिस्टेंट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर या टर्नर एंड मैकेनिस्ट के लिए जो है लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए और इंस्ट्रक्टर के लिए बुलाया गया है। जो डेट और टाइम है इंटरव्यू का वो बाद में आपको बताया जाएगा, अभी बताया नहीं गया है। इसमें आपको जो है एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। ये गूगल फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, तो ये टेलीग्राम पर मैं इसे सेंड कर दूँगा, इस PDF को। इस PDF को जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जो है गूगल फॉर्म पे आ जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करके यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करना होगा डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क। जहाँ पे आप हैं उसके आसपास का नेटवर्क कंडीशंस क्या है, क्या फास्ट है, स्लो है, सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पे आपको जो है दिखने को मिल जाएगा। सभी के लिए एक ही फॉर्म है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अपना डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है भर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। टोटल 3 सेक्शन में आपको जो है फॉर्म को भरना है, किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने उसी नोटिस के ऊपर। जब आप वॉक इन इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको जो है अपना CV, 1 सेट फ़ोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास हैं, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, तभी जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे ठीक है। उसके बाद आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आपका AICTE या UGC या DST के थ्रू जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी कानून है, नियम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको आपको पालन करना होगा। यहाँ पे जो पैसे दिए जाएंगे, मैक्सिमम आपको जो है 50,000 दिया जाएगा पर मंथ और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लैब असिस्टेंट एंड इंस्ट्रक्टर के लिए मैक्सिमम जो है आपको 25,000 पर मंथ दिया जाएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए अटेंड करेंगे तो आपके आने जाने का कोई भाड़ा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा कॉलेज के तरफ से। गूगल फॉर्म को भरना ज़रूरी है, और आपका ये एडवर्टीजमेंट आया है 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर से 7 जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13 यानी 22 सितंबर तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद भरेंगे तो हो सकता है कि आपका वैलिड ना हो, और डेफिनेटली वैलिड नहीं होगा, 7 दिन के अंदर ही भरना है, यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है। मैंने एडवर्टीजमेंट से 7 दिन यानी एडवर्टीजमेंट आपका है 16 सितंबर को, तो 7 दिन हो जाता है 22 सितंबर को, तो 22 सितंबर तक ही आप फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर कोई भी डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ID है @DearAmresh, क्या है, चलो मैं एक बार लिख कर दे देता हूँ, @
ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा, आपको जो आ जाएगा वहाँ पे, आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। डियर, मेरा अभी तबीयत जो है 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ी बहुत राहत मिलती है तो आप लोगों के लिए हेल्प के लिए वीडियो बना देता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करो, थैंक यू।